मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड महोत्सव में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मौजूदा जन समूह को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है और लोकतंत्र में सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना भी जरूरी है। आप याद रखिए, सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, यह मैं गारंटी दे सकता हूं। साथ ही सीएम मोहन ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पंचम बुंदेलखंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और मशहूर हस्तियों ने भी इसमें भाग लिया। शुक्रवार को कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसके अवसर पर लगभग 155 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। हमने कहा कि किसी भी किसान का कोई भी खेत में आप प्राकृतिक आपदा में बारिश होना या किसी कारण से भी फसल नष्ट हुई तो भी प्रशासन को बताया है, हर एक किसान के खेत का सर्वे करेंगे और किसी को भी कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये मैंने अपने निर्देश जारी किए हैं। आज बागेश्वर धाम में मैंने आकर सामूहिक विवाह में सम्मिलित भी हुआ और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबको शुभकामना भी दी है और खजुराहो के मंदिरों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि सारे मंदिरों में पूजा करा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो पुरातत्व की दृष्टि से रोका गया था, लेकिन इसका रास्ता निकालना राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जनभावनाओं का आग्रह है। माननीय बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने भी निवेदन किया और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है और उम्मीद करते आने वाले समय में मैंने महाराज जी से कहा कि सामूहिक विवाह में सरकार भी ऐसी व्यवस्थाओं में मदद करती है, अगर और तिथियों पर भी सरकार के साथ चल करके बागेश्वर धाम और महाराज जी अगर आयोजन करना चाहेंगे हम उनके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं।